गाइस बस इतना कहना चाहूँगा कि यूट्यूब मेरा भी एक सपना है, जितना हो सके मेरे को सपोर्ट करना कि आपका भाई एक बड़े मुकाम पे पहुँचे। और बहुत बहुत थैंक्स होगा आपको, और जितने बंधु के पास भी वीडियो पहुँच रही है शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना कि व्लॉग कैसा लगा। और अभी देखो आगे क्या करते हैं, बड़ा ही अमेजिंग व्लॉग होने वाला है, इसलिए व्लॉग में बने रहना। गाइस यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पे जगह देखो, और इस जगह पार घर है, और यहाँ पे रास्ता भी नहीं दिखता है कहाँ से है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही है यहाँ पे लोग पार जाते कैसे होंगे, और यहाँ पे रास्ता एरिए से बन रहा है, और आप एरिया देख लो, इस एरिया में बंदे रहते हैं, तो ये भी तो इंसान है भाई, मैं खुद हैरान हूँ। और ऐसा कुछ एरिया ये, और ये J&K का रोड है, वो भी दिख रहा है, और देख लो यहाँ से आप, ये सामने घर है, तो ये रहे घर बड़ा बिल्कुल, और ना यहाँ पे कहीं से रास्ता है, अगर होगा भी तो ऐसे मतलब ख़तरनाक वाला होगा, देख सकते हो आप। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और कैसे हो सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज का व्लॉग मेरा होने वाला है गाइस, आज हम जा रहे हैं किश्तवाड़, जो हमारे पीर हैं वहाँ पे किश्तवाड़ में, आप जानते भी होंगे वहाँ पे आज उनका बड़ा दिन है, मतलब रात को शब है वहाँ पे। और अभी हमारे घर से मेरी मम्मी और मेरा भाई जा रहा है, और अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पार, आप देख सकते हो वहाँ पार रोड में, वहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है, और उस गाड़ी को इधर लाऊंगा रास्ते में मैं, और वहाँ से फिर मम्मी और भाई आ रहे हैं, तो अभी चलते हैं। बहुत ही अमेजिंग होने वाला है व्लॉग आज का, तो इसीलिए व्लॉग में बने रही है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, तो हम आपको सारी जगह दिखाएँगे। किश्तवाड़ लगभग यहाँ से कोई 150 किलोमीटर होगा, तो हम आपको सारा कुछ दिखाएँगे, तो व्लॉग में बने रहना, इन्जॉय करना और वीडियो को लाइक करना। तो ये रास्ता जाता है पार्क के लिए, एक रास्ता उस साइड से भी है, पर हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, तो क्योंकि गाड़ी पार लगी हुई है, तो अभी चलते हैं। गाइस यहाँ पे देखो, चेक करो कितना बड़ा पेड़ है, और मतलब जब धूप होती है तो हम इस पेड़ के नीचे बैठते थे, यहाँ पे बहुत ही ये मतलब छांव प्रोवाइड करता है। भाई वैसे देखा जाए जगह हमारी कम नहीं है, यहाँ की जन्नत है पूरी, और जगह हर वक्त नई सी लगती है। और अभी बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता है, दिखाता हूँ आपको मैं, अभी रोड में पहुँचने ही वाले हैं हम। सो गाइस, काफ़ी मुशक्कत के बाद पहुँच चुके हैं रोड में, और देख सकते हो यहाँ का व्यू, तो अभी वहाँ जाना है, वहाँ हमारी गाड़ी लगी है, मतलब जो देखा जाए सही रास्ता वहाँ पार से है दुकान से, पर वहाँ पे गाड़ी अनसेफ रहती है, बहुत गाड़ियों की यहाँ चोरी भी हुई है, इसलिए यहाँ पे मतलब एक बंदा होता है रखा हुआ है यहाँ पे, तो वही देखभाल करता है। तो अभी चलते हैं, गाड़ी का कॉल स्टार्ट करते हैं, आपसे मिलते हैं वहीं। तो अभी पहुँच चुके हैं गाड़ी में, तो खोलते हैं इसको, अनलॉक करते हैं, और दिखाता हूँ आपको, सपोर्ट करो अपने भाई को। अभी जाते हैं मम्मी बुलाने। तो बस अभी हम पहुंच चुके हैं बगर में, और ये रही बगर की मार्केट, और अभी यहाँ से निकलते हैं, तो चलो चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं असर में, तो हम यहाँ पे एक अपने भाई को ही ठहर रहे हैं, हमारी बूजी का लड़का है, तो ये है असर, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टडी किया 12th, और वो रही जामा मस्जिद, उसके साइड वो वाला है स्कूल जहाँ मेरी उंगली आपको दिख रही होगी, वो टीन वाला। तो अभी यहाँ से एक बंदा आ रहा है, अभी हम उसका ही वेट कर रहे हैं, उसने भी चलना है हमारे साथ, तो देख
भाई स्कूल लाइफ याद आ रही है यार, वैसे गई तो बहुत गंदी है पर तब भी। और ऐसे व्यू पे हम खड़े हैं इस पर, देख सकते हो आप। तो अभी बस उनका ही वेट हो रहा है, तो अभी आ रहे होंगे वो, इसी साइड से आ रहे होंगे, तो अभी देखते हैं। तो सोनू भाई यहाँ पे आ चुके हैं और अब यहाँ से निकलते हैं असर से, तो चलो चलते हैं। तो अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप आ चुका था, तो अभी यहाँ पे हम गाड़ी में तेल भरवाने रुके हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं डोडा में गणपत पुल पे, ये सामने आपको ब्रिज दिख रहा होगा। और यहाँ पे हमने यहाँ से हमने ऊपर वाली टर्न लेनी है, राइट टर्न, तो क्योंकि यहाँ से पार डोडा के लिए रोड जाता है और हमने किश्तवाड़ के लिए। तो गाइज़ यहाँ का व्यू चेक करो, और यहाँ पे ये सामने रहा चनाब रिवर, आज तो बहुत ही मतलब स्पीड है इस दरिया की। और यहाँ पे पहाड़ों के व्यू चेक, जो आपको ये मंदिर दिख रहा है ना, ये बिल्कुल मतलब पत्थर को पीछे पहाड़ को काट के बनाया गया है, ऐसे सिर्फ दीवार जैसे बनाई गई है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे लग चुका है अभी जाम, आप देख सकते हो, यहाँ से थोड़ा मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ नीचे का। अभी यहाँ पे जाम लगा हुआ है, तो अभी खुलता है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं, तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ठाठरी में, और यहाँ का व्यू चेक करो, ये है चनाब रिवर। और यहाँ पे घर देखो, मतलब कितने रिस्क पे ऐसी जगह बनाई गई हैं। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं, यहाँ का व्यू चेक करो आप। तो गाइस चेक करो, अभी हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला में, और यहाँ का व्यू चेक करो, बहुत ही मतलब खतरनाक इलाका है ये। और ये धर्मशाला का व्यू है, और यहाँ पे नीचे टनल का काम भी लगा हुआ है, और यहाँ पे रोड भी जा रहा है ऊपर के लिए। तो यहाँ से थोड़े ही दूर पे है किश्तवाड़, पर रोड बहुत ख़राब है, उसकी वजह से यहाँ पे हमें टाइम लग रहा है, और यहाँ पे टनल का काम भी लगा हुआ है। तो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अभी हम यहाँ पे पानी लेने आए थे, तो थोड़ा पानी पीते हैं, प्यास लग गई है, बहुत दूर का सफ़र है अभी। तो पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास हम। तो भाई लोग, ये हैं हमारे जम्मू कश्मीर के एरियाज, मतलब इतने डेंजरस एरियाज है ना, कुछ तो हैं अच्छे प्लेन वगैरह, मतलब कुछ ऐसी जगह पे है कि देख के बंदा सोचता है नहीं ये है ही नहीं। यहाँ पे इन्होंने ये हमें किश्ती शरबत है मल्ली बबरी बबरी याद ना। अभी कुछ ऐसी जगह पे पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ पे ये पानी बांट रहे थे शरबत, और अभी हम पी रहे हैं, प्यास भी बहुत लगी है। ऐसी जगह पे और पीछे गाड़ी लगी है, और किश्तवाड़ को सामने रहा, तो अभी बस यहाँ से निकलेंगे हम जल्द ही। और
और गर्मी भी बहुत है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, चलते हैं यहाँ से। चलो उस्ताद जी। हो चुके हैं गाइस किश्तवाड़ में हम, देख लो। अभी ज़ियारत पे जाएंगे हम।